सो गाइज अभी हम आ रखे हैं बाहर माइक टेस्टिंग के लिए। आप देख सकते हैं मैं अभी रोड माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ अपने कैमरा में, कैनन M50 Mark II। गया व्हाट्सअप एवरी वन, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माई चैनल द वंडर पी के। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रोड वीडियो माइक्रो, जो मैंने imstudent.com से ऑर्डर किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अच्छे लाइक वीडियो शूटिंग के लिए अच्छा माइक और लाइट दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज माइक क्वालिटी इम्प्रूव कर देता है और लाइट भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा डाइव इन करते हैं अनबॉक्सिंग में, एंड आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इस बॉक्स में क्या क्या आता है एंड कैसा ये माइक है। एंड आप खुद ही जज करके बताना आपको कैसा लगा इसका साउंड। विथ आपको मैं विथ एंड विदाउट माइक दोनों का साउंड सुनाऊंगा। आप खुद आप ही जज बनो, आप ही बताओ कैसा साउंड है और कमेंट में बताओ। तो बने रहिए एंड तक। सो ये बॉक्स है और मैं अपना DC चाकू यूज़ करूँगा, अपना इंटरसेप्टर का चाबी। चाबी रखते साइड पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बॉक्स में मेरे को ये रोड का वीडियो माइक्रो मिला, और इसके साथ ही साथ इस बॉक्स में है ये imstudent का ऑफर एंड ऑल, इसमें लिखा हुआ है, इसको बाद में देखते हैं। और आई बिलीव ये है इसका बिल इनवॉइस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुझे पड़ा है imstudent.com में 6,275 rupees, एंड इसका जो रिटेल प्राइस है बॉक्स में वो है कुछ 6,700। सो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है प्राइस का। ओके इसको क्विकली खोलते हैं। उत्तरी डब्बे को साइड में रखते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये कुछ पैकेजिंग है इसका। सो जो इस डब्बे में आता है वो आपका रोड का ये माइक है, ये देख सकते हैं। इसके साथ ये आपका आता है विंड मफ। सो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो हवा चलती है तो आप शूट करते वक्त हवा जो जो चलती है तो ये उसको रोकता है, माइक में प्रॉपरली साउंड मतलब लाइक रिकॉर्ड होता है, फटफट करके जो आवाज़ आता है वो नहीं आता हवा की वजह से। और ये आपका हॉट शू माउंट है जो आप कैमरे के ऊपर रखेंगे, इसको अटैच करेंगे। ये आपका केबल है, TRS केबल है, जो आपके कैमरा में लगेगा एक और एक माइक में लगेगा। एंड मैं क्विकली इसको कनेक्ट करता हूँ अपने कैमरा में और आपको मैं दिखाता हूँ कैसा है। सो इसको साइड में रखते हैं। ये कुछ मैनुअल है इस डब्बे में, गुड टू नो, थैंक्स। सो ये है कैनन M50 Mark II जो मैं रिसेंटली मैं अनबॉक्स किया था, और इसमें क्विकली इसमें मैं आपको ये माइक कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसा लगता है। इसमें ये केबल का एक एंड यहाँ पर जाएगा कनेक्टेड, और ये इसका हॉर्स शू माउंट है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कैमरा में लगेगा। सो फर्स्ट इसको पहले इसमें अटैच करने का है। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका हॉर्स शू माउंट में कनेक्ट हो चुका है, और मैं इसको क्विकली इसको मैं कैमरा में फिट करता हूँ। सो जैसे कि देख सकते हैं आपने, मैंने इसको अभी सेटअप कर दिया है कैमरा के साथ, और ये कुछ ऐसा दिखता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। ये देखिए कैसे सिर हिला रहा है, ये इसका विंड मफ लगाने के बाद ऐसा है। और इससे मैं अभी आपको साउंड सुनाता हूँ इसका साउंड कैसा है। सो गाइज अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है रोड वीडियो माइक्रो से, और मैं अभी कैनन M50 Mark II में शूट कर रहा हूँ, और आप साउंड सुन के बताइए कैसे लगा ये साउंड। ओके गाइज अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसका जो माइक था रोड माइक मैंने इसको निकाल दिया है। अभी जो आप सुन रहे हैं ये साउंड कैनन M50 Mark II का खुद का माइक, इंटरनल माइक का साउंड है। ओके अभी मैंने रोड वीडियो माइक्रो पे स्विच कर लिया है, एंड अभी साउंड देख के बताइए, सुन के बताइए, देख के नहीं, कैसा लगा साउंड कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये साउंड कंपैरेटिवली जो इसका इंटरनल माइक का है एंड आफ्टर यूजिंग रोड वीडियो माइक्रो। गाइस आपने इसका साउंड सुना, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ये था घर के अंदर का साउंड, अब मैं आपको बाहर का साउंड सुनाता हूँ, जो आप उसका परफॉर्मेंस देखिए बाहर कैसा परफॉर्मेंस ये देता है, बिकॉज बाहर क्या होता है हर जगह से नॉइज़ आता है, तो कितना नॉइज़ ये कैप्चर करता है, सो ये सब मैटर करता है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। सो गाइस अभी हम आ रखे हैं बाहर माइक टेस्टिंग के लिए। आप देख सकते हैं मैं अभी रोड माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ अपने कैमरा में, कैनन M50 Mark II, और आप इसका साउंड देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रहा है, सो आपको ये भी पता चलेगा कि जो विंड मफ है विंड नॉइज़ को कैंसिल कर रहा है कि नहीं, और ऑल्सो लाइक आपको इसका परफॉर्मेंस भी पता चलेगा बाहर कैसा है।
और कैसे ये लाइक मेरा वॉइस कैप्चर कर रहा है, लाइक क्योंकि ये मेरी तरफ पॉइंटेड है तो ये मेरा वॉइस अच्छे से कैप्चर करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर कौवा एकदम तब से बहुत देर से चिल्ला रहा है कहें कहते। सो ऑल्सो लाइक ये माइक टेस्टिंग है जिसमें आपको लाइक विंड नॉइस कैप्चर कर रहा है कि नहीं, और जो मैंने डायरेक्शन मतलब सेट कर रखा है उसकी आवाज़ क्लियरली आ रही है कि नहीं। गया। सो गाइस आपने बाहर का वीडियो देखा, बाहर का परफॉर्मेंस देखा, इस माइक का कैसा है आप कमेंट करके बताना कैसा लगा ये माइक का परफॉर्मेंस बाहर में। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको माइक कैसा लगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।